सावन का महीना भोलेनाथ जी को समर्पित है। की शुरुआत 22 जुलाई से हो रही है। अगर इस दौरान सपने में कुछ शुभ चीजें देखी जाए तो भोलेनाथ की कृपा बरसती आएगी। पंडित जी से जानते हैं वह चीजें। श्रावण का महीना सनातन धर्म में भगवान शिव जी के प्रति पूजा का, आस्था का, विश्वास का ऐसा माह है जिसमें हर व्यक्ति भगवान शिव के रंग में रंग जाता है। ऐसा अवसर 22 जुलाई से हम सबको प्राप्त हो रहा है। भगवान शंकर की असीम कृपा हम सब पर होने वाली है। ऐसे में वह कृपा हमारे ऊपर कैसे प्राप्त होगी, इसके लिए हमें जानना चाहिए कि हमारे स्वप्न में भगवान ऐसे संकेत देते हैं कि जिससे वह बतलाते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ। इसमें सर्वप्रथम शिवलिंग, किसी शिवलिंग का दिखना, किसी मंदिर की शिवलिंग का दिखना व्यक्ति के जीवन में बेहद शुभ का संकेत होता है। उसमें उसके बहुत से ऐसे कार्य संपन्न होने वाले होते हैं जो कि उसने सोचे भी नहीं होंगे। इतना शुभ कारक शिवलिंग का दिखना होता है। नाग का दिखना, श्रावण मास में स्वप्न में यदि हमें नाग के दर्शन होते हैं तो यह जान लेना चाहिए कि कहीं से रुका हुआ धन हमें प्राप्त होने वाला है। धन की अचानक धन की प्राप्ति का संकेत नाग महाराज के दर्शन से होता है। और डमरू का दर्शन यदि हमारे जीवन में स्वप्न में होता है श्रावण के महीने में, तो यह जान लेना चाहिए कि भगवान शिव जी की हमारे ऊपर कृपा है और वो हमसे कोई शुभ कार्य करवाना चाहते हैं। और हम किसी अच्छे स्थान पर दान धर्म के साथ में भगवान शिव की कृपा हम प्राप्त कर सकते हैं। त्रिशूल, भगवान शिव के हाथ में जो विराजमान त्रिशूल है वो तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाला है। देहिक, देविक, भौतिक, तीन प्रकार के तापों का नाश करने वाला वह त्रिशूल यदि हमें दिखता है तो हमें जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में चल रही समस्या का अब शीघ्र से शीघ्र अंत होने वाला है। और नंदी महाराज भगवान के वाहन भी हैं और भगवान के गण भी है। ऐसे नंदी महाराज के बेल के दर्शन यदि हमें स्वप्न में होते हैं तो ऐसा जान लेना चाहिए कि बहुत दिनों से रुकी हुई कोई हमारी कामना या हमारी कोई अधूरी इच्छा अब पूर्ण होने वाली है। नंदी जी के दर्शन मात्र से हमारे जीवन की समस्याओं का हल होता है। इसलिए स्वप्न में यदि भगवान के इन पांच चिन्हों के दर्शन होते हैं तो ये जान लेना चाहिए कि हमारे जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य आने वाले हैं।